हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैंने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखी कि हाँ, ऐसे ब्लैक टैप्स को ऐसे साफ़ कीजिए, ऐसे साफ़ कीजिए। चलो आज ट्राई करके देखते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है ये रेड हार्पिक, और इसको मैं अब टैप पे लगाऊंगी जो भी पूरी ब्लैक हो चुकी है, और रिज़ल्ट देखते हैं कि इससे साफ़ होगा कि नहीं होगा। चलिए आइए देखते हैं। मैंने इसको काफ़ी अच्छे से ब्रश से रगड़ा है यहाँ पे, लेकिन अभी इसमें कोई फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा ब्रश से। अब मैं इसको कपड़े से साफ़ कर रही हूँ कि शायद कपड़े के साथ ये क्लीन हो जाए अच्छे से, पर मुझे लग नहीं रहा कि इससे क्लीन हो रहा है। ये जैसे पहले थी वैसे ही अभी है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मुझे ऐसा लगा था यूट्यूब की वीडियो देख के कि शायद एकदम लगाने से और एकदम ये चमक जाएगी, नहीं, ये पहले जैसी ही है अभी तक। इसको अच्छे से साफ़ किया है मैंने, पानी डाला है, पानी डाल के अब देखो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बिल्कुल ये सेम वैसे ही है। पर जो मैंने वीडियो देखी है उसमें दिखाया गया है कि जैसे एकदम ये वाइट हो गई है। सो ये एक्सपेरिमेंट होता है फेल्ड। चलो अब करते हैं हम दूसरा एक्सपेरिमेंट। हमने एक कटोरी ली, इसमें थोड़ा बेकिंग सोडा डाला, और हम इसमें डालेंगे सिट्रिक एसिड। मेरे पास नींबू नहीं था तो इस मैंने सिट्रिक एसिड यूज़ कर लिया है। अब दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने सिट्रिक एसिड डाला, अब इसमें मैंने डाला है वाटर। वाटर डाल के ये एकदम रिएक्शन करेगा, बल्कि एकदम इसमें बबल बन जाएंगे, और सेम जैसे इसमें दिखाई दे रहा है वीडियो में से बबल बनेंगे। अब मैंने ये वाटर लिया है और इससे कपड़े के साथ इस टैप को साफ़ करने लगी हूँ, क्योंकि ये भी एक्सपेरिमेंट यूट्यूब पर बताया गया है कि इससे भी क्लीन हो जाता है। चलिए ये ट्राई करके देखते हैं। मैंने इस पर अच्छे से लगा दिया है और इसको मैं रब कर रही हूँ कपड़े के साथ, साफ कर रही हूँ, शायद ये हो जाए, अब ये क्लीन हो जाए, क्योंकि वीडियो में दिखाया गया है कि ये लगाने से एकदम क्लीन हो गई है टैप, बिल्कुल ब्लैक टैप एकदम वाइट निकल रही है। तो मुझे ये था कि शायद मेरे भी टैप साफ़ हो जाएंगे, ऐसे DIY में यूज़ करूँगी, ऐसे टिप्स जो दे रखे हैं यूट्यूब पर मैं यूज़ करूँगी, तो मैंने किए हैं ये यूज़। देखिए अब मैंने पूरा इस पर डाल दिया है, शायद वो कम लग रहा था मुझे, तो मुझे लगा कि वो डालना चाहिए और ये अब अच्छे से साफ़ हो जाएगा। पर मुझे ये भी नहीं लग रहा कि इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, 19 दिन का भी फ़र्क नहीं पड़ा इसमें। तो भाई कैसे तुम लोग ऐसे वाइट निकाल के दिखा देते हो। अब मैं इसे पानी डाल के साफ़ करूँगी, शायद ये क्लीन हो जाए। अब मैं इस पर विनीगर लगा रही हूँ, क्योंकि वीडियो में बोला हुआ था कि ये बेकिंग सोडा और सिट्रिक एसिड नींबू वगैरह लगा के अपने लास्ट में पानी डाल के उस पर ये विनीगर से साफ़ करना है, तो शायद अब क्लीन हो जाए। मेरी पहले नहीं क्लीन हो रही थी, शायद अब ये बिल्कुल वाइट निकल आए। ट्राई करते हैं विनीगर से कुछ असर हो, पर यहाँ ऐसा लग नहीं रहा कि विनीगर से भी कोई असर होगा। ऐसा क्यों है, या मेरे टैप में ही कोई कमी है? पर यूट्यूब की वीडियोज़ में इससे भी ब्लैक टैप्स दिखाई हुई हैं जो बिल्कुल क्लीन हो जाती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ मुझे नहीं पता। मेरे प्रोडक्ट भी असली हैं, विनीगर भी असली है, और मेरा बेकिंग सोडा भी असली है, तो अब पता नहीं। अब ये एक्सपेरिमेंट होता है फेल। अब तीसरा एक्सपेरिमेंट हमने देखा था टूथपेस्ट। अब घर में कोई भी टूथपेस्ट हो उसे लगाकर टैप क्लीन कर सकते हैं। तो मेरे पास ये टूथपेस्ट पड़ा है और मैंने सोचा कि चलो वो फेल हो गए, अब मैं टूथपेस्ट लगा के देखती हूँ, क्योंकि टूथपेस्ट से बहुत सी चीज़ें क्लीन हो जाती हैं, चांदी की चीज़ें क्लीन हो जाती हैं। तो अब मैं इस पर टूथपेस्ट लगा रही हूँ, शायद ये क्लीन हो जाए। मैंने इसको अच्छे से लगा दिया है, इसके ऊपर अच्छे से रगड़ा भी है मैंने इसको, देखते हैं शायद अब ये क्लीन हो जाए। मेरा ये तीसरा टिप, इससे क्लीन हो जाए भाई, हो जाए हो जाए हो जाए, क्लीन हो जाओ। मैंने लगा दिया इस पर बहुत अच्छे से लगा रही हूँ। ये आपको वीडियो में लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी लगा रही हूँ, लेकिन मुझे करने में बहुत टाइम लगा है, टाइम लगा है। ऐसे नहीं है कि मैंने 2 मिनट वो लगा के रखा और 2 मिनट ये लगा के रखा और मैंने इसको कर दिया क्लीन, इसे टाइम लगा है। अब मैंने इसको वाटर डाल दिया है, वाटर डाल के इसको साफ़ करा है कि शायद क्लीन हो जाए, बट नहीं,
शायद ही मेरे टैप में ही कोई कमी है या फिर क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये अभी भी क्लीन नहीं हुआ। तो गाइज़ मुझे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर आपकी इन तरीक़ों से, इन टिप्स से ये टैप क्लीन हुई है तो ज़रूर बताना, अगर नहीं हुई तो भी बताना, क्योंकि मेरी इन टिप्स से टैप्स क्लीन नहीं हुई हैं, तो मैं तो जा रही हूँ मार्केट में टैप क्लीनर ख़रीदने, और इन पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगी मैं, क्योंकि वीडियो में कुछ का कुछ दिखाते हैं, मैंने आपको दिखा दिया रिज़ल्ट। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, मैंने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई है। थैंक यू सो मच।